विजयनगर में हुए चौरे हत्याकांड के मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने संगीन आरोप लगाया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी के करीबी के नाम पर उन्हें धमकी दी गई कि इस मामले में पैरवी ना करें, अगर जल्दी ही वकालतनामा वापस नहीं लिया तो जान से मार दिया जाएगा। अधिवक्ता की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज है। बता दें कि 27 अगस्त को विजयनगर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप, उसकी पत्नी बबली, बेटी तमन्ना उर्फ नेहा और प्रदीप की सास रोशनी की हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने प्रदीप के बेटे अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। इस प्रकरण में अधिवक्ता मोहित वर्मा, प्रदीप मलिंग और करंग नारंग ने पैरवी के लिए वकालतनामा दायर कर रखा है। गुरुवार को अधिवक्ता की तरफ से आर नगर थाने में शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि उनके मोबाइल पर दोपहर के समय अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को आरोपी अभिषेक का करीबी बताया और कहा कि मिलना है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि वो कोर्ट में है और थोड़ी देर में चैम्बर पर आ जाएंगे। तब तक अधिवक्ता ने अपने साथी संजू को चैम्बर में भेज दिया। आरोप है कि वहां पर आरोपी अभिषेक के करीबी समेत 2 व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने संजू के साथ अभद्र बर्ताव किया और केस की फाइल मांगी। इसके बाद वहां से चले गए। चैम्बर पर आने के बाद अधिवक्ता ने उस नंबर पर कॉल की, जिस पर उन्हें धमकी दी गई कि इस केस से पीछे हट जाओ, यह हमारा पारिवारिक मामला है और इसे अपने तरीके से निपटा लेंगे। अधिवक्ता का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। उधर अधिवक्ता करण नारंग ने भी आरोप लगाया कि उन्हें भी फोन करके इस केस की पैरवी नहीं करने की धमकी दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर DSP हेडक्वार्टर गोलकपाल राणा का कहना है कि अभी तक मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। उधर आरोपी अभिषेक ने सुनरिया जेल में मुलाकात के लिए अधिवक्ता मोहित वर्मा की तरफ से 2 दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोपी से मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अधिवक्ता ने बताया कि इस एप्लीकेशन पर गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आया। कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला देगी, जिसके बाद तय होगा कि जेल में आरोपी से मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं।